कि माना ये केस में त्रुटि कोड है पर रूल्स के पीसी नहीं हो जाए इसलिए आप लोग जो कर सकते हो कर लीजिए। इसमें नोटिस आए थे उसने दूसरी जवाब ही दी नोटिस के नोटिस आया ये सिंगला जिस तरीके से उसके बाद आया तो लेने का उचित है कुछ सिंगला जी के टाइम की इसके बाद नोटिस आया हमने लिया नहीं वापस भेज दिया। बाड़मेर पुलिस कर सकती थी बाड़मेर पुलिस अगर इमीडिएट अरेस्ट नहीं करती और इसको बेल वेल करने का या जो भी न्यायिक प्रक्रिया का टाइम देती ना हेलो इनके पास पावर नहीं होते हैं बाड़मेर पुलिस टाइम से मैंने एसपी साहब से पूछा उन्होंने कहा कि हम मेरे हाथ बंधे हुए क्योंकि कोर्ट का जो आज लेख आया उसमें तो स्पष्ट महसूस होता है कि ये मामलों का षड्यंत्र है और दुर्ग सिंह को फंसाया जा रहा है और जो भावना प्रकट आई है सब में आम समाज में और विशेषकर पत्रकार समूह में कि दुर्ग सिंह का अधिकार है और अधिकार को दबाने के लिए उसको छीनने के लिए अधिकार को छीनने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। किसी को दुर्ग सिंह के लेख से या उसकी रिपोर्टिंग से कुछ दुख हुआ है परंतु मुझे भी कई बार दुर्ग सिंह की रिपोर्टिंग से दुख हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि उस पर कोई कार्रवाई करूँ या सुनो पढ़ो और आगे चलो ये तो पत्रकार का नियम है परंतु दुर्ग सिंह को जो फंसाया है मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूं और मैं आगे कार्रवाई करूंगा इसके पक्ष में क्योंकि इसका दुर्ग सिंह अधिकार है जैसे सभी पत्रकारों का अधिकार है कि जो रिपोर्टिंग करे वो अपने विवेक से करेंगे कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा लेकिन दुनिया ऐसी है कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं परंतु पत्रकार समूह भी ऐसा ही है और उनका अधिकार है। ये वहाँ मेरे अधिकारियों से बात हुई और नीति जी के कार्यालय में मैंने संपर्क कराए वो मेरे से आप बात करेंगे मैं उनसे भी निवेदन करूंगा उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस दुर्ग सिंह के मुकदमे में इस केस में सहयोग दे और दुर्ग सिंह को जल्दी रिहा मिले। बल ये तो एक उदाहरण है कि जिसे पत्रकार को दबाया जा रहा है मैं नहीं कहूँगा कि आपातकाल लगा है परंतु जो भय है पत्रकारों में ये भय दूर करना हमें सभी राजनेताओं का कर्तव्य बनता है हमारा दायित्व है और प्रजातंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता अनिवार्य है। जब तक पत्रकार स्वतंत्र नहीं होंगे तो प्रजातंत्र भी सफल नहीं होगा।